एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। अभ्यर्थियों ने विरोध युवा हल्ला बोल संगठन के नेतृत्व में किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि एलडीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम आए करीब 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड ने अभी तक भी टाइपिंग की गाइडलाइंस जारी नहीं की है। परीक्षा में टाइपिंग के लिए 36,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और उसके बाद प्रश्नों से जुड़े मामलों को लेकर कोर्ट में भी भर्ती अटकी हुई है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से न्यायालय में मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है और इसीलिए चयनित अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में पड़ चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन जरूर करेंगे।